हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वर्ष 2024 के अंदर जो है, यदि आप आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं अपना अथवा अपने परिवार वालों में किन्हीं का भी, तो भाई कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको आधार अपडेट के लिए लगने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये PDF जो है मैंने आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भाई टोटल 39 प्रकार के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि मैं सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताऊँगा, बस वही डॉक्यूमेंट्स के लिए बताऊँगा जो जनरली सबके पास में अवेलेबल होते हैं और आपका काम इससे हर जगह पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी गौर कर पा रहे होंगे, टोटल 4 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए है, दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, तीसरा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए है और चौथा डेट ऑफ बर्थ के लिए है। तो भाई मैं यहाँ पे मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। केवल देखिए, आधार कार्ड जब अपडेट करवाने के लिए आप जाते हो ना, तो वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं आधार अपडेट के लिए। ठीक है, तो 2 मेजर मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। देखिए, हालांकि यहाँ पे 39 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, अब भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास में होंगे नहीं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ जो जनरली सबके पास होता है, मेजरली सबके पास होता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे वोटर कार्ड का। 4th नंबर सीरियल नंबर पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका रो बना हुआ है, ठीक है, इस रो में आप देख पा रहे होंगे वोटर कार्ड। भाई वोटर कार्ड आप है ना आपके पास पे, तो ये आपका काम कर देगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के लिए ये काम कर देगा। अब तो भाई वोटर आईडी कार्ड मैक्सिमम सभी के पास में होता ही है। ठीक है, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसके एवज में आप पैन कार्ड दे सकते हो। पैन कार्ड यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए काम कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब सीधा मैं आपको 15 नंबर कॉलम पे, 15 नंबर रो पे लेकर के आ जाता हूँ। मार्कशीट, भाई सब ने यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट पास करके रखा हुआ है मैक्सिमम कैंडिडेट ने, तो क्लास 10th का जो मार्कशीट होगा ना वो आप दे सकते हो। आपका क्लास 10th का मार्कशीट जो है यहाँ पे देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम कर जाएगा, ये आपका प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए काम कर जाएगा, ये आपका जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस ना क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए काम कर जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये 4 कॉलम्स में से डेट ऑफ बर्थ के लिए और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए तो आपका मार्कशीट काम कर गया, वहीं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपका जो है वो वोटर आईडी कार्ड काम कर गया, या फिर आप इसके बदले में राशन कार्ड भी दे सकते हैं या पैन कार्ड भी दे सकते हैं। तो ये 4 जो पोर्शन है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, प्रूफ ऑफ एड्रेस का, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का और डेट ऑफ बर्थ का, ये केवल आपका 2 ही डॉक्यूमेंट से पूरा हो जाता है, एक आपका मार्कशीट से और एक आपका वोटर आईडी कार्ड से। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो भाई इसके जगह पर आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, पैन कार्ड नहीं है तो भाई इसके जगह पर आप जो है वो अपना राशन कार्ड भी दे सकते हो, ये भी सबके पास में होगा ही। ठीक है, और ये भी नहीं है भाई तो आप अपना पासबुक का पहला जो पेज होता है उसका फोटोकॉपी देख सकते हो। तो 2 काम ये 4 जो पोर्शन है, 4 खास करके POI, POA, POR और DOB, ये मात्र आपका 2 डॉक्यूमेंट से बन जाएगा, एक आपका मार्कशीट और एक आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे देना जैसे पैन कार्ड या वोटर कार्ड या फिर आपके पास में पासबुक होगा तो वो आप दे सकते हो। दोस्तों, ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप कहीं पे भी कोई भी आधार सेंटर पे जाओ, कोई भी नज़दीकी जो आधार सेंटर से वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। और बात करें कितने दिन अपडेट होने में लगता है, तो भाई इसका कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, कभी कभी तो ये जो है वो 24 घंटे के भीतर भी हो जाता है, कभी 7 दिन भी लगता है और कभी इसके लिए 30 दिनों तक का भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी, फिर भी भाई इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।